और पेटई कहते हैं हम ऊंट, घोड़े, गधे, जंगली गाय, बाइसन और हिरण पक्षियों की माता जाति के लिए प्रयोग करते हैं। पेड़े और पेटई पक्षियों की माता प्रजाति के लिए उपयोग होती है। अलग शब्द मुर्गी और उल्लू मोरनी की माता प्रजातियों को भी सूचित करते हैं। ये शब्द सिर्फ मुर्गी और उल्लू को छोड़कर माता प्रजातियों के लिए उपयोग होता है, मतलब अलग शब्द मुर्गी और उल्लू की माता प्रजातियों के लिए उपयोग नहीं होता। पिनाई शब्द मृत किरण स्पार्टर डीप और याक की माता की सूचित करते हैं। पिनव और पिनावल शब्द ऐसे शब्द है जो सुअर, मृग, कुत्ते के साथ साथ गाय, भैंस और जंगली गाय की माता प्रजातियों को भी सूचित हम करते हैं। पिन और पिना शब्द का प्रयोग कहाँ होते हैं? ये उचित मानव जातियों की स्त्रीलिंग के लिए पेन और पिनाओ शब्द यूज करते हैं। नाकु शब्द भैंस, जंगली गाय और बैल की माता और गोंगे स्नेही की माता के लिए नाकु शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। पट्टी शब्द सुअर, कुत्ते और लोमड़ी की माता प्रजातियों के लिए सूचित करते हैं हम। मंदी शब्द का इस्तेमाल बंदर, वानर और काले बंदर की माता प्रजातियों के सूचित के लिए किया जाता है। कडवल नर बंदर के लिए, सेवल घोड़े के लिए प्रयोग करते हैं। कोटाम, तत्तई, पूसई और एनम शब्द उल्लू, तोता, जंगली बिल्ली और काले सुअर को हम प्रयोग करते हैं। ये सब उपयोग लंबे समय से चलते आ रहे हैं, आगे भी यही चलेगा। इसके अलावा कोई अन्य शब्द प्रयोग करना तुलकाभियम के मार्ग में मना करता है। ऊपर दिए गए सभी शब्द संख्या नर और माता प्राणियों और उनकी संततियों को सूचित करते हैं। इसके बाद मार्गदर्शन का सूत्र जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर जोर देते हुए कहते हैं कि उपरोक्त परंपराओं का हमें स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, इसका कुछ विकृत नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण भी दी हुई है मरबियल में, विश्व का उदाहरण है वो, जिस तरह से दुनिया पांच तत्वों से बनी है अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष सही मिश्रण में है। शब्दों का उपयोग भी सही मिश्रण में होना चाहिए और ये विकृत नहीं होना चाहिए। रचनाओं में शब्दों को मुहावरात उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर इस पे परिवर्तन होगा सभी शब्द की अर्थ बदल जाएगा। अनर्थ हो जाएगा तो नहीं कह सकते हैं, सभी शब्द अपने अर्थ खो जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। तो मरबियल अध्याय में जो हमेशा के लिए उपयोग है वही पहले भी उपयोग में थे, अभी भी होगा, आगे भी उपयोग होगा। I don't know how much my paper will be used to the highly educated people here, but again I'm asking you to take it as a UKG person submitting whatever
yeah, reciting the poem, and I want to specially thank Professor Damodaran sir for this opportunity, and to Tamil Bharathan also, and thank you for at least for making me sitting here apart from all my routine official work and trying to bring back some beautiful memories of my Tamil classes during the college days, that is 35 years back. Thank you so much.